साधु चरण कमल चंदन करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णाक्षं परं धामं जगद्धाम व्यासं ततो जय मदीरेत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री श्री राम जय राम जय धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता के जय हो, राम बलि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय हो, हर हर महादेव, शिवा के बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। विश्व के इतिहास में जिसे जो कुछ मिला है सत्संग के प्रभाव से ही मिला हुआ है। जलचर थलचर नभचर नाना दे जड़ चेतन जीव जहाना मति कीरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जय पाई सो जानो सत्संग प्रभाओ लोकहु भेद न आन आनो पाओ। सत्संग से ही जीव ऊपर उठता है। सत्संग का जीवन सत से मिला देता, सत नाम परमात्मा का है। जहाँ बैठने से सत के साथ आपका संग हो जाए उसी का नाम सत्संग होता है। व्यवहार काल में मनुष्य का मन माया से जुड़ा हुआ है और माया शाश्वत नहीं है। माया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो सदा आपके साथ रह सके। फिर भी जीव उसी ओर दौड़ता जा रहा। भागवत में लिखा है दृष्टा तदुद भविष्छन्नम हित्वाज्ञो जल कामया मृग तृष्णा मुपाधे धावा। एक व्यक्ति प्यासा तालाब के किनारे पहुंचा है। कुछ काई और घास जमी हुई थी जल के ऊपर। उसने सोचा ये खेत है किसी किसान का, कुछ बोया है। दृष्टा तदुद भविष्छन्न, जल से ही काई घास पैदा होते हैं और जल को ढक देते हैं। माया भगवान से पैदा होती है और भगवान को ढके रहती है। मोतियाबिंद आँख से ही पैदा होता है, आँख की ज्योति को ढके रहता है। बादल सूर्य से ही पैदा होते हैं, सूर्य को ढके रहते हैं। इसी तरह माया भगवती भगवान से ही प्रकट होती है
और भगवान के अंश जीवों को ढांके रहते। जीव भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशी, चेतन अमल सहज सुख राशी, सो माया बस भय मर कट की नाई, बंधो कीर मर कट की नाई। जीवात्मा ईश्वर का स्वरूप है, अंश माने स्वरूप, अंश माने टुकड़ा नहीं, क्योंकि निराकार के टुकड़े हो ही नहीं सकते। परमात्मा निर्विकार निराकार निरंजन अद्वैत तत्व है, आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आकाश निराकार है। परमात्मा आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, इसे गहराई से समझने का विचार करना चाहिए। हम माया के नहीं हैं, हम ईश्वर के हैं। हम माया से पैदा नहीं हुए, हम तो ईश्वर से पैदा हुए। आनंदाद्यव खल इमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम संप्रत्यभिसंगे तद विजिज्ञासस्य तद ब्रह्म। वेद भगवान कहते हैं, अनेक बार सुन चुके हो कि वेद किसी ऋषि महर्षि की कलम से लिखे नहीं गए हैं, किन्हीं कवियों की भावना वेद हो ऐसा नहीं है। वेद तो भगवान के श्वास से प्रकट होते हैं, इसे वेद का कोई भी वाक्य अकाट्य नहीं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद भगवान के श्वास से निकलते हैं। भागवत में भी लिखा है, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू, वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, वो स्वयंभू है, उनका कोई लेखक नहीं है, वो स्वयं प्रकट होते। वेद वाक्य अंतिम प्रमाण। मैक्स मूलर बहुत बड़ा फिलॉसफर हुआ है, सारे धर्मों को उसने पढ़ा सुना है और अंत में लिख दिया कि दुनिया में सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है। अंग्रेज होते हुए भी उसने इस बात को लिखा कि वेद दुनिया में सबसे पुरानी पुस्तक। गुरुदेव कहा करते थे, कोई धर्म 300 वर्ष का है, कोई 500 वर्ष का है, कोई 1400 वर्ष का है, तो कोई 2100 वर्ष का है, तो कोई 2500 है, कोई 2800। दुनिया में जितने धर्म हैं उनकी गिनती है। पारसी धर्म 2800 वर्ष का है, जैन धर्म 2500 वर्ष का है, यीशु 2100 वर्ष का है, मुस्लिम धर्म 1400 वर्ष का है, और छोटे छोटे धर्म हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि 2800 वर्ष से पहले क्या मनुष्य थे कि नहीं थे, और अगर थे तो किस धर्म में थे, किसको मानते थे, ये प्रश्न है। उत्तर यही होगा कि जैसे इस जगत अनादि है, इसी तरह सनातन धर्म अनादि है, और वही अनादि है और वही अनंत भी है। धर्म नष्ट नहीं हो सकता है, कभी कम पड़ जाएगा। सर्दी में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, गर्मी में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। इसी तरह कभी दूसरे धर्म बढ़ जाते हैं, सनातन धर्म थोड़ा सिकुड़ने सा लगता है, और कभी सनातन धर्म में ऐसा कारक पुरुष पैदा होता है कि सारे धर्मों को बराबर करके एक क्षत्र साम्राज्य सारी दुनिया में सनातन धर्म का ही होगा। तो वेद भगवान ये कहते हैं,
आनंदा देव खल इमान भूतानि जायन्ते। अरे जीव, ये जगत और जगत के जितने जीव हैं आनंद स्वरूप परमात्मा से ही प्रकट हो गए, उनके द्वारा ही जीव जीवित रह रहा है। उदाहरण, पुराने श्रोता हो जरा ध्यान से सुनना चाहिए, जैसे तरंग उठती है, समुद्र में तरंग उठी और तरंग दौड़ रही है। अब प्रश्न है, तरंग किससे उठी है? बोले जल से उठी है। किस पर दौड़ रही है? जल पर दौड़ रही है। कहाँ लीन होनी है? जल में लीन। इसी तरह ये जीव ईश्वर से ही पैदा हुआ है और ईश्वर के द्वारा ही ये चल रहा है, कर रहा है, कार्य कर रहा है और अंत में ईश्वर में ही इसको विलीन होना है। और जब तक तुम ईश्वर को नहीं पहचानोगे, बार बार तुमको जन्मना मरना पड़ेगा, ये शास्त्रों का सिद्धांत। ईश्वर को जानो। ईश्वर को जानने का एक ही माध्यम है कि तुम भगवत कथा श्रवण करना प्रारंभ करो। जिन लोगों ने प्रारंभ किया है वो शांति का अनुभव कर रहे हैं, संसार से मन हट रहा है। जिन्होंने सत्संग नहीं किया वो आज भी भटक रहे हैं, आज भी उनकी भटकाव दूर नहीं। दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक वे हैं जो सत्संग में आके अपने जीवन को बदल लेते हैं, दूसरे वे हैं जो जैसे के तैसे बने रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी वृक्ष चंदन वृक्ष के बगल में लगा दिया जाए चंदन का हो जाता है, लेकिन बांस का पेड़ जीवन भर चंदन वृक्ष के पास रहेगा, उसमें सुगंधी कभी नहीं आती। फूल फरे न बेत यद्यपि सुधा वर्ष ही जल दो, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंचि। ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाए उसको लाभ नहीं होगा। बांस के पेड़ में सुगंधी का प्रवेश होता ही नहीं, जीवन भर चंदन पेड़ के बगल में रह जाए। मूर्ख हृदय न चेत, जो मूर्ख होते हैं वो जीवन भर सत्संग करके भी जहाँ के तहाँ बैठे रहते हैं, और जिनमें थोड़ी बुद्धि है भगवान ने दी हुई है वो थोड़े दिन सत्संग करके ही अपने जीवन को बदल लेते हैं। और बदलना है, जब सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है और सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, मनुष्य शरीर पाकर क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर पाया है, वृद्धावस्था हो गई है, अब उसे क्या करना है, क्या छोड़ना है? जिसकी मृत्यु नज़दीक आ चुकी है उसका कर्तव्य क्या है? सुखदेव भगवान ने इसी पर संपूर्ण भागवत सुनाई और यहाँ लिखा है कि थोड़े से प्रवचनों के बाद ही आत्म जाया सुतागारो पशु द्रवण बंदशो राज्य चाबिकले प्राप्ते विरूढ़ाम ममताम जहो। बड़ी सुंदर बात है, आत्म जाया सुतागारो, शरीर पत्नी पुत्र राज वैभव क्या सबसे मन उन्होंने हटा लिया। थोड़े देर के प्रवचन, महाराजा जनक को थोड़े से प्रवचन मिले थे और घोड़े के रकाब पर पैर रखे थे, वहीं रह गए। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है वो थोड़े से प्रवचनों में भी अपने मन को मोड़ लेते हैं। वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गता। अभी तक परीक्षित अपने को एक मनुष्य मान रहे थे, लेकिन यहाँ लिखा है कि थोड़े से उपदेश के बाद ही वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में आत्मभावम दृढ़म गता, ये दृढ़ भाव हो गया कि मेरी आत्मा कृष्ण है, मेरी आत्मा कृष्ण है, मैं उनकी तरंग हूँ। उदाहरण दे दिया ना, तरंग उठी है जल से, दौड़ रही है जल पर, विलीन होगी जल। ये संसार, ये जीव ईश्वर से ही बना है, ईश्वर की सत्ता से ही कार्य कर रहा है।
ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। भागवत में एक श्लोक आता है, उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, जो मूर्ख लोग होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, वो क्या सोचते हैं, अहो मे पितरु वृद्धौ भार्या बालात् मदात् मदः अनाथा मामृतेधीना कथम जीवन्ति दुःखिता। अरे मैं भजन करने चला गया या मैं मर गया तो मेरे वृद्ध माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्रों का क्या होगा। ये मंद बुद्धि लोग सोचते हैं। उन मंद बुद्धियों को ये सोचना चाहिए कि माता के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटके हैं, पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ भी जब वो दे रहा है तो हाथ पैर देने वाले को भूखा कैसे रखेगा। भूखा उठाता तो है पर पेट भर के ही सुलाता है। पशु पक्षी कीट पतंग भी, इनके कल के खाने की व्यवस्था है क्या, कमाने के लिए हाथ है क्या, बैंक बैलेंस है क्या, नहीं, फिर भी ये भूखे रहते हैं। शाम तक पेट भर जाता है कि नहीं। तो जब वो बिना हाथ वालों का पेट भरता रहता है, जो माता के घर में उल्टे लटके कभी रक्षा कर रहा है, वो हाथ पैर वाले दिल दिमाग वाले क्या तुझे भूखा रखेगा। योशव विश्वम भरो देवाहा, भगवान का नाम है विश्वम भर, ये सारे विश्व का पेट भरता है। विश्वम भर का अर्थ होता है विश्व माने संसार, भर माने उसका पेट जो भरे है उसका नाम विश्वम भर। विश्वम भर। एक बार एक भक्त वैकुंठ पहुंचा और भगवान से कहने लगा, प्रभु बहुत दिन से आप रक्षा करते आ रहे हो, अब ये भार हमारे ऊपर दे दो, आप थोड़ा विश्राम कर लो। भक्त भगवान से कह रहा है कि अब ये मैं संभालूंगा आजकल। भगवान ने कहा तेरे बस का नहीं है, तू भजन करके आ गया आराम से रो, नहीं नहीं मैं संभालूंगा। अच्छा तो मैं एक दिन के लिए तुझे भार दे रहा हूँ, संभाल। सारा दिन संभालता रहा, शाम को लौटा, प्रभु ने पूछा सब ठीक ठाक, बोले बिल्कुल ठीक है प्रभु। अमुक व्यक्ति को भोजन दिया कि नहीं, बोले बिल्कुल नहीं। क्यों, बोले वो आपको गाली दे रहा था। समझ में आ रहा है। भगवान मुस्कुराए, वो 45 वर्ष का है, बचपन से मुझे गालियां देता आ रहा है, मैं फिर भी उसको भोजन दे रहा हूँ, और तू एक दिन के लिए हुआ उसको भूखा रखता है, इसलिए तेरे बस का नहीं है, तो मेरा ही काम है। कोई भी हो, कैसा भी हो, उसका पेट तो भरना मेरा काम है। विश्वंभर मेरा नाम है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। गाली दे रहा है इसलिए भूखा रखा उसके। मैं कितने बार दे रहा हूँ, चोर को, डाकू को, हत्यारे को, खसाई को भी रोटी देने वाला क्या भक्तों को भूखा रखेगा। योशव विश्वम भरो देवाहा, सब भक्तान क्यों उपेक्षित है। एक भक्त था वृंदावन में, सारा काले खान नाम था उस, भगवान कृष्ण से उसकी प्रीति हो गई। उसने संकल्प ले लिया कि दर्शन करने के बाद ही भोजन करूंगा। वेश बदल के पहले तो बहुत ज्यादा छूता छूत का विचार होता था, दूसरे धर्म वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं होने देते थे। नियम चलता रहा, एक दिन किसी ने पहचान लिया, रे तो मुसलमान है, हिंदुओं कपड़े पहन करके आया। पुजारियों ने मारपीट की उसके साथ, खबरदार आज के बाद कभी आए पैर तोड़ दिए जाएंगे। रोता रोता बाहर जाके बैठ गया पेड़ के नीचे। ठाकुर मैंने तो संकल्प लिया है दर्शन के बिना भोजन नहीं करूँगा। दिन भर रोता रहा, मेरी प्रतिज्ञा है मैं दर्शन के बिना भोजन नहीं करूँगा। शाम को ठाकुर जी को भोग लगा, दरवाज़ा बंद हुआ,
और जब समय के बाद खोला तो थाली गायब थी। बड़ा आश्चर्य हो गया, छिपकली भी नहीं अंदर घुस सकती, चूहा अंदर नहीं घुस सकते, पर थाली गायब कैसे हो गई है? चारों तरफ तलाश की, पता नहीं लगा। सोते रोते लोग सोचते रहे, जरा झपकी लगी तो गोसाई को भगवान ने कहा कि उसके यहाँ मैं थाली दे आ जाऊँ और रखी वहाँ से ले आओ वृंदावन। हरी लाल की जय। जब गए लोग तो वहाँ थाली मिली। अंत में भगवान ने कहा या तो मुझे उसके पास जाने दो या उसको मेरे पास ले आओ। जो मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी उनके बिना नहीं रह सकता। वृंदावन हरी लाल की जय। क्या समझा? हम उनके बिना आराम से रह रहे हैं, हम परिवार के बिना एक हफ्ते भी नहीं रह पाते हैं। हम ममता ग्रस्त हैं, हम चाहते हैं कि परिवार सदा हमारे साथ रहे, जबकि ये छूटने वाला है। और जो भगवान तुम्हें कभी छोड़ते ही नहीं, उसके बिना तुम आराम से रह रहे हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजम। भगवान वचन दे रहे हैं, जो मुझे जैसा भजेगा मैं भी उसको वैसे ही भजूंगा। अगर वो मेरे बिना दर्शन किए भोजन नहीं कर सकता तो मैं भी उसको खिलाए बिना भोजन नहीं करूँगा। बांध के जो रखे नहीं और मांगत में सकुचाएं, तिनके पाछे हरी फेरे का भूखे न रहे। जो बांध के नहीं रखते हैं और निरंतर भजन में डूबे रहते हैं, भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं, कहीं भूखे न रह जाएंगे। मीरा जी जब वृंदावन आई हैं, दो तीन चार दिन की भूखी बंसी वट में बैठ करके गा रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो पति सोई। 10-12 साल का एक बालक गले में ढोलक टांगे ढोलक बजाता गली गली घूम रहा है। परम भक्ता मीरा जी बंसी वट में आए हैं, जो उन्हें खिलाएगा वो निहाल हो जाएगा, जो दर्शन करेगा वो भक्ति प्राप्त करेगा। थालियों ले ले करके भोजन लोग वहाँ पहुँच गए। मीरा के तो नेत्र बंद थे, गा रही थी मेरे तो गिरधर गोपाल। जब आँख खोल के देखा तो कई थालियाँ हैं। मीरा जी हमारा। आप लोगों को पता कैसे लगा कि मेरा नाम मीरा है और मैं भूखी हूँ? बोले 10-12 वर्ष का एक बालक ढोलक बजाता हुआ गली गली गा रहा था। मीरा की आँखों से अविरल अश्रु की धारा बह गई। मैं जिनके लिए पागल हुई हूँ वो भी मेरे साथ साथ रहकर सारी व्यवस्था कर रहे हैं। करौं सदा तिन कै रखवारी, करौं सदा तिन कै रखवारी, करौं सदा तिन कै रखवारी। जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै। सकल भरोसा भजहिं जे मोहि तज सकल भरोसा, करौं सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। अगर जीवन में दुख आया है तो आपका भविष्य बनाने के लिए आया है, और आपके घर में ज़्यादा सुख आया है और कदाचित आप ईश्वर को भूल रहे हैं तो आगे आपको दुख देने के लिए आया है। ध्यान रखना, भूलना नहीं इस बात।
दुख आता है दो काम करता है, दुख पाप काट रहा है तुम्हारे और भगवत भजन करा रहा है। भजन करा रहा है, एक तो पाप कट रहे हैं दुख से और दूसरे भजन से पुण्य बढ़ रहे होते हैं, आगे चल के तुम्हारा जीवन महान बनेगा। सुख आया है और सुखदाता को आप भूल गए तो सुख ने आपका पुण्य तो काट दिया और भजन हुआ नहीं तो आने वाला भविष्य तुम्हारा दुखमय हो जाए। सुख उतना बढ़िया नहीं है जितना दुख अच्छा है। सुख आया है तो उसका सदुपयोग करो, भगवत चिंतन में, भगवत कथा में, दान में उसका सदुपयोग करो। नौका माही जल बढ़े और घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। समझदारों का फार्मूला यही है, अगर संपत्ति ज़्यादा आ गई है, नौका जा रही है नदी में और एकदम छेक हो गया, पानी आने लगा, अब क्या करना है, दोनों हाथ से जल उलीचते जाओ और केवट से बोलो नौका जल्दी बढ़ा भैया, किनारा मिल जाएगा। और धन आया है तब क्या करना है, बोले इसको भी उलीचते रहो। शिंगला जी उलीच रहे हैं कि नहीं, देख रहे हो आप कैसी क्या स्थिति बना रखी है। धर्म कार्य में कभी हमने नहीं सुना आज तक, टाइम नहीं चल रहा। धन पाकर पद पाकर भी अगर आप ईश्वर को नहीं भूले तो भविष्य आपका मंगलमय, और सुख पाकर सुखदाता को भूल गए तो जीवन अंधकार में। विभीषण बाली के द्वारा तृषित था, दुखी था, बाली ने इतना मारा पीटा था, पूरे शरीर में घाव थे भी। सुग्रीव, सुग्रीव की पत्नी हर ली, राज्य हर लिया, महल हर लिया, भगवान राम ने बाली को मारा और सब सुख दे दिया, और स्थिति ये आई कि 4 महीने बीत गए, 4 किलोमीटर पर ठाकुर ठहरे हुए हैं, 1 दिन भी दर्शन करने नहीं गया। जिन प्रभु ने सुख दिया उन्हीं को भुला दिया, और तब भगवान को कहना पड़ा जिस बाण से मैंने बाली को मारा है अगर कल तक विभीषण शरण नहीं आया मार दूंगा। अगर सुखदाता को भूल जाओगे तो जैसा देता है वैसा ले भी लेता है। शकुंतला दुष्यंत के प्यार में पागल हो रही थी, एक रात्रि का मिलन था और तो चले गए, ये गर्भवती हुई है, पुत्र हुआ है भरत, अपने पति के चिंतन में बैठी है। एक संत आए भिक्षान दे, सुन ही नहीं रही, एक बार दो बार तीन बार कहा, ये उसी चिंतन में डूबी हुई है पति की। संत ने श्राप दे दिया, जिसके चिंतन में तू डूबी हुई है वो तुझे भूल जाएगी। और जब दुष्यंत के पास पहुंची है शकुंतला भरत को लेकर, दुष्यंत ने साफ कह दिया तू मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तुम्हारा पति नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है, तुम झूठ बोलती हो। लंबा प्रसंग है, अंत में देवताओं ने साक्षी दी है कि पुत्र आपका है और यह श्राप के कारण स्वीकार किया। अभिप्राय कहने का ये है कि जिसने आपको सुख दिया आपने उसी को भुला दिया, वो दिन दूर नहीं है जब आपके सुख कपूर की तरह उड़ जाएंगे और आपको हमेशा के लिए आसान तनाव में जीना पड़ेगा। वृंदावन प्यारी लाल की जय। आत्म जाया सुता गौरव पशु द्रवड़ बंधुषु राज्य चाभि क्लिप्ता बिरूढ़ाम ममताम जहव। ममता को त्याग दिया परीक्षित, अखंड राज्य है सारी पर, सार्वभौम, सार्वभौम को मतलब सारी पृथ्वी के राजा थे महाराज परीक्षित, एक रॉट। थोड़े से शब्दों में बिरूढ़ाम
ममता जहो त्याग। और भगवान कृष्ण के प्रति क्या भाव बन गया? बोले वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गत। भगवान कृष्ण के प्रति आत्मभाव जाग गया है, वो मेरी आत्मा है, मेरा असली वही स्वरूप है। थोड़ा कठिन भी हो जाए तो सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं, चिदाभास और चिदाकाश, थोड़ा वेदांत का विषय है ये। मनुष्य चिदाभास में जी रहा है और चिदाभास को ही चिदाकाश माने बैठा हुआ है। जब संतों का संग मिलता है और बोध होता है कि हम तो चिदाभास को ही चिदाकाश माने बैठे हैं, तब उसकी आंखें खुलती हैं और वो चिदाभास से हटके चिदाकाश में चला जाता है। बिंब और प्रतिबिंब, जरा ध्यान देना है, प्रतिबिंब आपका असली स्वरूप नहीं है, वो तो दर्पण के कारण दिख रहा है। ध्यान दो जरा, दर्पण में जो आपका अपना रूप दिखता है वो कहाँ से घुसा दर्पण में और बाद में कहाँ गया? वो कभी विचार तो किया करो। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे राधे हमारे बीच में वृंदावन के परम रसिक संत स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज आचार्य कुटी रामनगर वृंदावन से अपना दर्शन करा करके हम सबको इस भव सागर से पार कराने के लिए आए हैं। जैसा संतों ने कहा है कि हमारे बीच जो भी आएंगे वो किसी शास्त्र का ही स्वरूप होगा, कोई भागवत बन करके आ जाए, कोई रामचरितमानस का स्वरूप धारण करके आ जाए। तो वृंदावन में हमारे परम रसिक और वृंदावन में भक्तों के ऊपर और समूचे जगत के ऊपर कृपा करने वाले स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज आए हैं, तालियों के द्वारा तो स्वागत करना ही चाहिए। पूज्य महाराज जी का 90वां ये जन्मोत्सव और दर्शन देने आप पधारे हैं, मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ और आपको प्रणाम करते हुए यही निवेदन करता हूँ कि महाराज जी आप आए हैं तो केवल दर्शन के माध्यम से ही नहीं, अपने वो वचन की, वो रस की, वो शास्त्रों की उस गंगा में हमें स्नान कराते हुए परम पवित्र करेंगे। ऐसे महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वाणी को हम सब प्रेम से श्रवण पान करेंगे। ज्यों गच कांच विलोक सेन जड़, छाह आपने तन की, टूटत अति
आतुर आहार वस क्षति विचार आनंद। एक बाज नाम का पक्षी होता है, वो पक्षियों का ही मांस खाता है। एक दर्पण था, शीशा जिसे आप बोलते हैं, कहीं रखा हुआ, वो वहाँ बैठा, उसे अंदर पक्षी नजर आया। वो उड़ करके सीधा आके चोंच मारता है, पक्षी तो वहाँ है नहीं, उसकी ही छाया है। बार बार चोंच मारता है, चोंच टूटती है, तड़प तड़प के मरता है। एक कुत्ता नदी के किनारे किनारे जा रहा था, एक रोटी उसके मुख में थी, दूसरा कुत्ता उसको नजर आया नीचे, उसका ही प्रतिबिंब था। उसने सोचा एक तो है ही है, इसकी भी छीन लूँ तो दो हो जाएंगी, पेट भर जाएगा। जैसे हौंक करके छलांग मारी, मुंह की रोटी बह गई, वो तो प्रतिबिंब था, हाथ कुछ लगा। यही स्थिति संसार की है, माया रूपी दर्पण में ये समाज और संसार और परिवार तुम्हें दिख रहा है, और तुम इनके चक्कर में इस तरह फंस चुके हो कि अपने मूल को तुम भूल गए हो। परिणाम वही होगा कि उस कुत्ते का हुआ या बाज पक्षी का हुआ। अपने चिदाकाश को समझने का प्रयास करो, जगन नियंता जगदीश्वर को पहचानो। मोड़ आना चाहिए जीवन में। ये हमारे परमानंद जी अभी आए हैं, वृद्ध हैं, 86 वर्ष के हैं। ये तीसरी चौथी बार अभी एक सप्ताह पहले यहाँ से भागवत सुन के गए, अब फिर आए, बोले वहाँ मन नहीं लगा, फिर सूरत से आ रहे हैं, वृद्ध हैं, बेटी को लेकर। मोड़ आ गया जीवन में। परिवार वाले कहते हैं पहले ये भजन पूजन दान कुछ नहीं कर पाते थे, बेटियां 4-6, बेटा पाकिस्तान बना, सब कुछ लुट के आए, तकाते रहे। लेकिन अब कथा सुन के एकदम ऐसा मोड़ हुआ है कि अब घर में मन नहीं लग रहा। 5-6 बेटियां हैं, बेटा है, पोता है, अच्छी दुकान चल रही है, बोले अब घर में मन नहीं लगता। जीवन में मोड़ आना चाहिए, क्यों? जीवन का तो ठिकाना नहीं है। श्वास कब आते आते रुक जाए कहा नहीं जा सकता। शास्त्र कहते हैं निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। श्वास पर विश्वास नहीं करना, कभी भी रुक सकते। एक आश्चर्य की बात है, आप विचार करना, जिस घड़े में 9 छिद्र हों उसमें पानी भर के रह सकता है कि नहीं रह सकता? बोलो भाई, नहीं रहेगा ना। तुम्हारे शरीर में 9 छिद्र हैं और हवा तुम्हारे अंदर रुकी है कि नहीं रुकी हुई? तो रुके रहना आश्चर्य है कि निकल जाना आश्चर्य? ये तो उसने रोक रखी है आवाज सांस को। तुम्हारे शरीर में 9 छिद्र हैं और हवा इतनी पतली है, और फिर भी, क्योंकि आपके शरीर में जितनी क्रियाएँ हो रही हैं वो हवा के द्वारा ही हो रही हैं। इसको भी एक मिनट में समझ लो। जैसे स्टोव में आप तेल भरते हो, उसका पंपिंग करते हो, जब पाप उसमें हवा भर जाती है तो फिर वो तेल हवा के सहारे, तेल स्वयं उठ रहा है कि किसी को उठाए उठ रहा है? जैसे हवा के संयोग से पंप का तेल ऊपर उठ रहा है, हवा कम हो गई फिर बंद हो गया, फिर पंपिंग किया फिर चालू। आपका शरीर जो क्रियाशील हो रहा है ये हवा के द्वारा ही हो रहा है, इसीलिए हवा को प्राण कहा गया है शास्त्रों में। आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो आप सांस लेते हो, कुछ तो निकल जाती है, कुछ अंदर रहती है, और वो पीछे से हवा ब्लड को दौड़ा रही है, और आप काम कर रहे हो। आप जो कर रहे हो वो उसके द्वारा कर रहे हो। कठोपनिषद में एक प्रश्न आया, न प्राणेन न प्राणेन
प्राणो जीवत कश्चनो इतरेण तु जीवंती यशमन नेता उपाश्र तो। अरे भोले लोगो, तुम्हारे जो प्राण हैं, तुम जो जीवित हो सोचते हो प्राण के द्वारा हम जीवित हैं। अच्छा, तो जब तुम सो जाते हो तो फिर ये प्राण कौन सांस कौन लेता छोड़ता है? सोते समय श्वास लेना और छोड़ना ये कौन कर रहा है? तुम तो सो चुके हो ना, विचार करो, बुद्धि लगाओ। वेद का वचन कठोर, न प्राणेनो न प्राणेनो जीवो जीवति कश्चनो इतरेण तु जीवंती यस्मिन् नेता उपाश्रितः। भोले लोगों, तुम जब सो जाते हो तो तुम्हारे हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है वही श्वास खींच रहा है, वही छोड़ रहा है, वही ऊपर छोड़ रहा है और नीचे भेज रहा है। तुम सोचते हो कि हम कर रहे हैं, अगर तुम ही करते हो तो सोते समय क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर रहे, फिर भी तुम जीवित हो कि नहीं हो? पहचानो, अपने असली स्वरूप को पहचानो, तुम परमात्मा के दास हो या तुम परमात्मा के स्वरूप हो, दो में से एक सिद्धांत। हनुमान जी से पूछा भरी सभा में प्रभु ने, हनुमंत लाल तुम मुझे किस रूप में देख रहे हो, किस रूप में मानते हो? हनुमंत लाल जी ने कहा, तीन रूप में मान रहा हूँ। क्या? देह बुद्ध्या तु दासो हूँ, देह की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, सेवा करने वाला। जीव बुद्ध्या तदंश का, और जीव बुद्धि से मैं आपका अंश हूँ, और तत्व बुद्धि से जो आप हो सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो आप हो। भगवान ने गले लगा लिया, देवता और बक्षी वासी जय जयकार करने लगे। रामचंद्र भगवान की। देह दृष्टि से हम दास हैं, सेवादार हैं, जीव दृष्टि से हम उनके अंश हैं, पर तत्व की दृष्टि से चिदाभास में हम उनके दास हैं, पर जब चिदाकाश में हम बैठ जाएंगे तो हम उनके स्वरूप ही हैं। वृंदावन हरिलाल की जय। परमाचार्य जी आपके सामने हैं, जैसा कल हमने कहा था कि 84 कोस ब्रज के जो खास खास संत हैं उन सबको यहाँ बारी बारी से बुलाया जा रहा है, इसलिए कि आप यहीं बैठे हुए सब संतों के दर्शन करें। संत दरस जी भी पातक टरे, ये रामायण में लिखा है कि संतों का दर्शन करने मात्र से पातक निवृत्त हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। इनके वचन हैं, ये जीव से को ईश्वर से जोड़ दिया करते हैं। आइए आशीर्वाद। वसुदेव सुतम देवम कंस चाड़ूर्मर्दनम देविकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कर्मा अवलंब का केचित केचित ज्ञान अवलंब का वयंतु हरिदासानां पादरक्षो विलंब का। यज्ञेश अच्युत गोविंद माधवा अनंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। देविकी नंदनम कृष्णम जगदानंदकारकम भक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। श्री वाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य व्यास जी भगवान की जय। श्री यमुना जी की जय। श्री नर्मदा जी की श्री गौ माता की श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राम। दो बार भगवत नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा जवाशुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
श्री परात पर ब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में कोट शनवन परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर तपोमूर्ति साक्षात भगवत स्वरूप श्री महाराज जी के चरणों में कोटि शनवन और समस्त श्रद्धालु भक्तजन, बड़ी सुंदर बात आप महाराज श्री के मुखारविंद से सुन रहे थे। शरीर और शरीर आत्म तत्व क्या है? तपोमूर्ति परम श्रद्धे महाराज श्री ने बहुत लंबा समय साधना और भगवत कथा में ही व्यतीत किया है। इतनी लंबी आयु के बाद भी आप स्वस्थ हैं। आपके जीवन की बड़ी तपश्चर्या रही है। सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम, सर्व यज्ञेषु यत् फलम, सर्व वेदेषु यज्ञानम, तत्सर्वम् दत्तम्। यज्ञ वेद और तप का संपूर्ण फल श्री नर्मदा तट पर विराजमान होता है। आपने लंबा समय रेवा तेरे तप कुरुवात, बड़ा तपोमय जीवन आपका बचपन से रहा है। नर्मदा जी की सेवा और नर्मदा जी का फल ही है। भगवान दीर्घ आयु रखें। मैं आज से नहीं, महाराज जी को करीब 50 वर्ष से श्री महाराज जी को, क्योंकि आप संस्कारधानी में प्रतिवर्ष भागवत होती है, ऐसे गूढ़ तत्व भागवत के अब मिलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे महापुरुष के दर्शन बनना मुश्किल है जिनकी करनी कथनी एक है, जिनका संग्रह परमार्थ के लिए है, और जो तपोनिष्ठ है, गंगा गया ने मिश पुष्करानी, काशी प्रयागा कुरु जांगलानी, तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्वम, गोविंद भक्तिम बहतम नराणा। जो भगवान गोविंद का भक्त होता है, उस मनुष्य के शरीर में गंगा गया पुष्कर नैमिषारण्य काशी और प्रयाग और कुछ क्षेत्र सदा वास करते हैं। ये वो स्वरूप है आपका। ये संत हैं, तपस्वी हैं, विप्रकुल भूषण हैं, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, और ऐसे महापुरुष की कृपा ब्रह्मलीन परम श्रद्धे भगवत तत्व वेत्ता सगुण निराकार तत्व वेत्ता सद्गुरुदेव कृपात जी महाराज की आप पर कृपा, गुरु सेवा। और आज भी महाराज जी का जीवन ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और भागवत सेवा, ऐसे महापुरुष के दर्शन से ही आपका कल्याण है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन से स्पर्श से ही जीव का कल्याण है। और कलयुग में तो दो ही भाव से पार उतारने के साधन है, एक तो भगवान की कथा और एक भगवान का नाम। भाव सागर चहे पार जो पाव जावा, राम कथा ता कहूं दिन नावा। तो ये सब आपके कल्याण के लिए, ये जो महाराज श्री समय आपको दे रहे हैं, ये आपके कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए। विप्रसदेव हम चुत्र कामाय निस्ते, क्रेच्छाय तप से चेहा, प्रेतंताय सुखाय चाह। ऐसे तपोमूर्ति जिनका जीवन तप में है, और मुझे लग रहा है इस अवस्था में भी लगातार महीने में 4 कथाएं करते रहते हैं,
यही तो भगवत भक्ति है। नौ द्वारे पूरे देही, कितना सुंदर चिंतन कर रहे हैं महाराज जी। इस शरीर में नौ छिद्र हैं, श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण कहते हैं, न कर्माणि न कर्तव्यम् लोकस्य सृजत् प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये गीता के पांचवें अध्याय का ये चौदहवां श्लोक है। अब परमात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है, हम दोष करते परमात्मा ने ऐसा कर दिया, परमात्मा ने ये कर दिया। सो पर दुख पावई वो सिर धुनधुन पछताए, वो काल ही कर्म ही ईश्वरी वो मिथ्या दोष लगाए। संत क्या है, विप्र क्या है, इनकी महिमा बड़ी अनंत है। जो संतों की महिमा को जान गया, समझे आप लोग, जो संतों की महिमा को जान गया, जो संतों को पहचान गया, गोविंद उसके पास आ जाता है, उसको पहचान लेता है। भागवत एक रहस्यमय ग्रंथ है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और महाराज सिंह ने इस वृंदावन में बैकुंठवासी परम श्रद्धेय साक्षात भगवत रूप माधव टीका के रचनाकार श्री कन्हैयालाल गुरु जी से आपका अध्ययन हुआ, उनके सुपुत्र परम तपस्वी व्याकरण के आचार्य, भागवत के आचार्य श्री गिरिराज जी शास्त्री, आपके परम भागवत गुरु ने माधव टीका लिखी है, बड़ा सुंदर चिंतन लिखा है। आपका कितना गहन चिंतन है उपनिषदों का, वेद का, भागवत का, पुराणों का, और जिसके साथ जीवन का तप है। ऐसे महापुरुष के मुख से सुनना और इनका दर्शन करना कोई पुण्य आत्मा को ही मिलता है, साधन को नहीं मिलता। ना वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते कुचित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम् नेपोऽपि जायते। ये प्रमाण है हमारे सामने 90 वर्ष का महाराज श्री का। जो भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का भक्त होता है उसका कभी अशुभ नहीं होता, अमंगल नहीं होता, और जन्म मृत्यु वो व्याधि का उसको कभी भय नहीं होता है। ये प्रमाण है। अच्छा, आप लोग भटकते रहते हैं। 5 बजे के बाद आचार्य कुटी में जब मैं निकलता हूं तो लोग आते हैं, सत्संग चलता है। किसी ने कहा महाराज कुंडली दिखाइए, ये ग्रह लगाए। मैंने कहा देखो भाई, आप संत के भक्त के पास जाएंगे तो उसका समाधान क्या है। आपने जन्मपत्ती दिखाई, उनका भाई आपको शनि लगा है, इसका जाप कराइए। फिर आपने बताया मंगल ठीक नहीं है कोई वास्तु का, पर एक मूल बात मैंने कहा देखो, संत के पास तो सभी समाधानों की समस्याओं का एक ही हल है, सत्संग। संपूर्ण समस्याओं का समाधान सत्संग से होता है। सत्संग, सत्संगति दुर्लभ संसार। विवेक चूड़ामणि में आज शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम तरुम एकम तद्देवानुग्रहम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। ये 3 वस्तु दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम ना क्रोधो ना ईर्षा ना लोभो मदा, भक्त कृत पुण्यानाम कच्चित पुरुषोत्तमे। जो भगवान पुरुषोत्तम का भक्त होता है उसके जीवन में किसी दिन क्रोध नहीं आता। ये बाण सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह की वाणी है, आप किस लिए आए हैं,
आपको नेत्र मिले हैं? नेत्र तो गधों को, पशुओं, घोड़ों को ही मिले हैं। साहिबार का जो पक्षी ऑस्ट्रेलिया में, वो प्रकृति को जितने अच्छे तत्व से पहचानता है हम नहीं जानते, वो ऋतुओं को जानता है, और वहाँ वो ऋतु में उड़ करके और जोधपुर आ जाता है और हमारे आगरे पास कीटम झील में आ जाता है। प्रकृति के तत्व को जितने अच्छे से पशु पक्षी पहचानते, आप जानते हैं? आपको नेत्र मिले हैं, किस लिए मिले हैं आपके नेत्र? आपने नेत्रों को जाना? इंद्रिय सुख को पशु पक्षी भी जानते हैं, इनके दो नेत्र चर्म चक्षु, पर आपके चार नेत्र हैं, चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु ना ही ज्ञाने सदसम पवित्रम इति विद्यते, ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। ओ गुरु बिन होइ कि ज्ञान, ज्ञान की होइ विराग बिन, गुरु से ज्ञान होता है। और ऐसे गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जिनको अधिकार है, ऐसे महापुरुष की जो शरण में आ गया उसका तो उद्धार है, उसे कुछ नहीं करना। अब जो मैं आपसे बोल रहा था कि हम दोषारोपण परमात्मा पे करते हैं, देखो जैसे फूल जाता है तो फूल के साथ सुगंध जाती है, कहो जय श्री कृष्ण। श्रुतियां कहती हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, जब शरीर छूटता है तो इंद्रियां भी सुगंध के रूप में उसके साथ जाती हैं। उनका भैया इसका जातिगत स्वभाव है। आज हम परेशान क्यों हैं? देखो आपने धर्म के चार चरण सुने भागवत में, प्रथम स्कंद में, तपा शौचम दया सत्यम, ये चार। और उसी प्रकार कलयुग में अधर्म के भी चार चरण है। तपा शौचम दया सत्यम, तप शौच दया और सत्य, ये चार चरण हैं धर्म के। अब तप क्या है? सो धर्म के आचरण में इंद्रियों को कष्ट देना तप है। परशुराम जी राम जी को ललकार रहे हैं फरसा उठा करके, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। परोसे बकई कुठार उठाए और मन मुस्काए राम सिर नाए। आप सेवा करते हैं? देखो भाई, जो सेवा करता है संतों की, तो संतों का एक नाम है निज जन निष्ठो, कहो जय श्री कृष्ण। आपको किसी ने डांटा फटकारा? राम जी कितनी फटकार को सह सकता है, पर मन मुस्काए। कभी महापुरुष संत लोग, अपन से पूज्य लोग अपमानित करें, तिरस्कृत करें, और हम मुस्कुरा करके उसको सहन करें, समझ लो वो साक्षात भगवत रूप ही हो जाता है। जब ही वो लंका पर विजय प्राप्त कर सकता है, नहीं तो संत ने आपको आंख दिखाई डांटा, उनका हम आज जा रहे हैं। देखो भाई, भागवत रहस्यमय ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का चरित्र भागवत के दसम स्कंद में 80 और 81 अध्याय में है, और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से गुरु महिमा की चर्चा की है। ना हम इज्जा प्रजप्याम तपसो समेन वा तुस्यम सर्वभूतात्मा गुरु सुशुष्या यथा। गुरु जी की सेवा कम है का? ना हम इज्जा, इज धातु दान संगत कर्ण के अर्थ में है। मैं बड़े बड़े दान से, यज्ञ से, तप से, संन्यास से, वानप्रस्थ से, ब्रह्मचर्य से प्रसन्न नहीं होता जैसा प्रसन्न गुरु सेवा से होता। किसको मिलती? ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तीन पिता होते हैं, एक जन्म देने वाला पिता, एक व्रत बंद उपनयन शिक्षा देने वाला पिता, और तीसरा पिता होता है जो ज्ञान देता है, जो महाराज श्री बैठे हैं। वो ज्ञान स्वरूप पिता मैं ही हूं। गुरु से क्या सीखना है? आजकल समाज भ्रमित हो गया है। आज लोगों की
कथा तो कहते हैं पर उनकी क्रिया में भौतिक सोच बैठी है। तीन लोगों को अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, एक अविवाहिता को, एक विधवा को और एक उपदेशक को। पढ़िए भागवत में महात्मा के षष्ठ स्कंद में अध्याय में, आज कहां हम जा रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं, किसके मुख से सुना जाए। ऐसी गुरु भक्ति जीवन में ऐसे महापुरुष का दर्शन और इतना लंबा जीवन, कहो राधे राधे। जो आज हम स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके पूर्व का ये शरीर नर्मदा के तट पर, कहो राधे राधे। ऐसे महापुरुष का दर्शन ही बहुत दुर्लभ है। मनुष्यत्वम भैया, मनुष्यत्व आना मुश्किल है। कितने लोग मर गए याद नहीं कर रहे, पर आज पूरा भारत मीरा जी को पढ़ रहा है, कबीर को पढ़ रहा है, तुलसी को पढ़ रहा है। मनुष्य कौन है? देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्यत्व क्या है भैया? आप देखिए रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 36 से और 47 के बीच में पढ़िए। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा, आप पैसे को बड़ा समझते हैं कि मानव को बड़ा समझते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, पैसे को बड़ा समझते हो कि मानव को बड़ा समझते हो? मानव का महत्व ज्यादा है, पैसे का महत्व ज्यादा है? हम पैसे को महत्व देते हो को मानव को महत्व देते हो? आज घबरा गए। आज कॉलेजों में, स्कूलों में अर्थ का और भोग का महत्व पढ़ाया जाता है, पर जब ऐसे संतों के बीच में बैठते हैं, महापुरुषों के बीच में बैठते हैं, जब व्यक्ति त्याग का और मनुष्यत्व का महत्व समझ सकता है। अर्थ बैठा है, कहां है भैया अर्थ? बड़े भाग मानुष्तन, एक मनुष्यत्वम कलयुग में देवता भी कहते हैं हमारा जन्म कलयुग में हो जाए, कलयुग समयुग आन नहीं। देखो मैंने बहुत आपको बताया का धर्म के चार चरण हैं, उसी प्रकार कलयुग में अधर्म के चार चरण हैं, अनर्थ हिंसा असंतोष कलहा। ये भागवत के द्वादश संत के तीसरे अध्याय में 20वां श्लोक है। ये परम श्रद्धे हमारे रामनोहर जी और महाराज जी जब शुरू में यहाँ पर आए तो दर्शन हुआ, तामस देह रजोगुण थोरा और करी प्रभाव विरोध चहु हो रहा। श्रद्धालु श्रोताओ, बड़ा मुश्किल है आज के युग में भागवत का सुनना, और भागवत के बोलने वाले वक्ता कम हो गए हैं, कहो राधे राधे। आप ये बताओ, आज की 100 वर्ष की 90 साल की माता बैठी हो, उनसे पूछो तुमने कभी नकली सोना देखा था? हम जब पैदा हुए हमने कभी नकली सोना नहीं जाना, ना महाराज जी ने जाना। आज नकली सोना बहुत आ गया, असल नकली ज्यादा चमकता है का असली चमकता है? तो आज नकली वक्ता ज्यादा चमकते हैं, नकली, कहो राधे राधे। असली तो गया भैया, कहां में लगा? असली तो अपना आनंद ले रहा है, हमें क्या करना है लाभ टेलीकास्ट से, हमें क्या करना है आपकी प्रशंसा से? देखो भैया, तीन वस्तु का त्याग करो, अभिमानम सुरापानम कौरवम रौरवम समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रिम तिक्त्वा हरिम भजेत। तीन का त्याग करके, ये नहीं तुम पत्नी को छोड़ो का भाई को छोड़ो परिवार, ना ना ना, ये छोड़ना नहीं है। तीन को छोड़ो, अभिमान, सुरापानम, सुरा माने मदरा, मदरा जो 4 घंटे में उतर जाती है पर अभिमान नहीं उतरता। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। ऐसा जीवन था। जय जय श्री राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव शब्द मैं भी पूज्य श्री जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। देखिए बात तो फिर वही हो रही है कि जैसे यहां पर जो भी आ रहा है वो भगवान का ही अपना है। कोई मैंने कहा ना कल विजय कौशल जी है तो उन्होंने कहा साक्षात भागवत है। कोई मैंने कहा कि राम स्वरूप बन करके कोई रामचरितमानस बन करके हमारे सामने मध्य प्रकट हो जाएगा। परंतु आज हमारे बड़े भाई कहें या जो ब्रज के गौरव हैं जिनके नाम में ही भगवान है वो स्वयं ठाकुर जी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बात वो कहूँगा बस महाराज जी फिर क्योंकि कुछ मन के भाव हैं तो ये मौका तो बड़ी मुश्किल से मिलता है ना कहने का कुछ। अगर आप सबको ये बात अच्छी लगी ना तो यहां से दूर एक ठाकुर वहां भी बैठा है प्रियाकांत जी। अगर बात अच्छी लगी तो तालियां वहां तक जाए और वहां जो बैठा हुआ ठाकुर है उसके चेहरे पर भी कुछ मुस्कान आ जाए। दो शब्द कहूंगा। देखिए हमारे बीच में जितने भी संत हैं और हमारे महाराज जी यहाँ पर आए हैं, मैं छोटा था 2008 में आप हरिद्वार पहुंचे थे और वहां पर आपने कथा सुनाई थी। परंतु यहाँ पर जो संत आए हैं महाराज हमारे देवकी नंदन जी आए हैं वो सम्मान के नाते नहीं, हमारे पूज्य महाराज श्री आए हैं वो सम्मान के नाते नहीं, वो प्रेम के नाते आए हैं। वहां फोर्स का कोई काम नहीं, सम्मान में फोर्स लगता है परंतु प्रेम नेचुरली होता है, स्वाभाविक होता है। तो बस इंडिकेशन हो रहा है ना, तो महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा और दो शब्द कहकर के हम सबको कृतार्थ करेंगे। पूज्य महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय जब मनुष्य का परम सौभाग्य होता है, जब पूर्व जन्म के कर्म या अकारण करुणा वरुणालय श्री प्रियाकांत सरकार कृपा करते हैं, तब मनुष्य को ऐसे परम भागवत का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये भी एक विशेष बात पूज्य महाराज श्री के
प्राकट्य महोत्सव पर हम लोग ये इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होते हैं, यहाँ हो रहे हैं और 90वां प्राकट्य महोत्सव है महाराज श्री का। महाराज, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि व्यास आसन पर आप स्वयं भागवत को विराजमान देख कर और दर्शन करके श्रवण करके हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। आज के युग में ऐसी दिव्य विभूतियां और इतना ठाकुर कृपा होते हुए भी इतने विनम्र, इतना प्रेम प्रदान करने वाले, जो जो भागवत में संत के लक्षण है, दिव्य विभूतियों के लक्षण है, महाराज श्री में सब घटित होते हैं। हमने कहा प्रभु के लिए अकारण करुणा वरुणालय, महाराज श्री भी अकारण करुणा वरुणालय है। अभी 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का अनुष्ठान चल रहा था, अचानक महाराज जी का दर्शन और महाराज जी ने कहा कि मैं पहले गौशाला होके आया हूं और फिर शिव जी के इस अभिषेक में सम्मिलित हुआ हूं, उत्सव में सम्मिलित हूं। ये क्या है? ये अकारण करुणा ही तो है जो हमने प्रभु के लिए भी कहा, अकारण करुणा वरुण। आजकल तो महाराज 4 कथा हो जाए, मैं अपनी कह रहा हूं और किसी की नहीं कह रहा हूं, कान पकड़ के सबसे क्षमा, 4 कथा हो जाए, 4 जगह पर हमको महाराज जी कह के पूछ दें, इतना मतलब, डू यू अंडरस्टैंड ना, समझ रहे हो ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना। पर आप कल्पना कीजिए, महाराज श्री ने अब तक कितनी कथाएं की होंगी और उसके बाद विनम्रता, करुणा, प्रेम, दया, जो सब लक्षण भगवान के हैं, विशेषतः लक्षण आप में घटित होते हैं। और हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि हम भाग्यशाली हैं, पर हम सौभाग्यशाली हैं। हमें ठाकुर जी ने एक तो सौभाग्य यही दिया कि ब्रज में पैदा किया, तो हमारे पीछे परमानेंट ब्रजवासी, ओरिजिनली ब्रजवासी लिखा, और दूसरा उससे बड़ा सौभाग्य ये दिया कि महाराज श्री की परम कृपा हम पर हमेशा बरसती रहती है। जब हमें कोई जानता नहीं था तो हमने, कोई भी नहीं जानता था, आज भी खैर कोई नहीं जानता, पर ललिता आश्रम में हमने तब कथा की जैसे आप श्री ने बताया 2008 में, महाराज श्री तब करुणा करके पधारे। और अब जब 2-4 आदमी जानते हैं तो अभी 2022 में, 2008 और 2022 कितने साल हो गई, 14 वर्ष में प्यार वहीं की वहीं है, इसने वहीं की वहीं है, करुणा वहीं की वहीं है, आशीर्वाद वहीं की वहीं है। तो ये एक संत का दिव्य स्वरूप होता है, स्वभाव होता है, वही महाराज श्री का। मैं आप श्री के लिए क्या कह सकता हूं, अगर कोई कहे कि सूर्य को दीपक दिखाओ तो दीपक की कितनी रोशनी होगी, प्रकाश होगा, कहां तक उसकी अप्रोच होगी, कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोग तो दीपक भी नहीं है, दीपक फिर भी थोड़ा बहुत अपनी अपनी बगल में कुछ कर ले। आप लोगों ने देखे होंगे जंगल में वो होते, क्या बोलते उसको, जो टिमटिमाते रहते हैं, जुगनू, हमारे यहां उसको कुछ और बोलते, ब्रज में जुगनू नहीं बोलते, पटवीजना बोलते हमारे यहाँ ब्रज में, क्यों महाराज, पटवीजना बोलते उसे, वो वहीं थोड़ी देर टिमटिमाता और फिर गए, टिमटिमाता वो, हम लोग तो वो पटवीजना है, जुगनू है महाराज श्री के आगे। और महाराज श्री की बड़ी करुणा और बड़ा प्रेम, और आप सब भी जो महाराज श्री को सुन रहे हैं, यकीन मानिए आपका परम सौभाग्य है कि आप ऐसी परम विभूति के दर्शन कर रहे हैं। आने वाला समय तरसेगा, आने वाला समय ऐसी दिव्य विभूतियों के लिए तरसेगा, क्योंकि हम लोग जिस राह पर जा रहे हैं वो राह में बहुत कुछ पीछे रह जाएगा। हम भाग्यशाली हैं कि आज महाराज श्री के साथ यहाँ पर बैठकर महाराज श्री का दर्शन कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप महाराज श्री की कथा यहाँ पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं और महाराज जी के प्राकट्य महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। अधिक न बोलते हुए, वैसे हम लोग कथावाचक कहते ही हैं कि अधिक न बोलते हुए, पर छोड़ते कुछ नहीं, अधिक ही बोलते हैं, हम लोगों का स्वभाव बन गया ऐसा,
पर फिर भी न बोलते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, महाराज श्री की कृपा आप सब पर, आपके साथ हम पर भी बनी रहे और ऐसे ही अपनी करुणा हम सब पर बनाए रखें, अपने ज्ञान के द्वारा हम सब का मार्गदर्शन करें, जिस मार्गदर्शन से हम जैसे तुच्छ प्राणी भी अपने इस समाज की, सनातनियों की थोड़ी सी सेवा कर सकें और समाज को, युवाओं को, जो युवा आजकल पाश्चात्य कल्चर में जो भटक रहा है, जिसे चोटी रखने में शर्म आती है, जिसे तिलक लगाने में शर्म आती है, जिसे कलाबा बांधने में शर्म आती है, लेकिन फटी जींस पहनने में जिसे शर्म नहीं आती है, ऐसे लोगों को हम कुछ आपके कृपा प्रसाद से, आपकी झूठन से हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकें, ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रहें। और भगवान प्रिया कांजू से प्रार्थना करते हैं, ये 90वां प्राकट्य महोत्सव है पर हम तो 190वें प्राकट्य महोत्सव का भी प्रतीक्षा करते हैं, और भगवान ऐसी कृपा करें। राधे राधे, अपनी बाड़ी को विश्राम दे। अभी थोड़ा दिन पहले देखा हमने कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा के जन्मभूमि के लिए देवकी नंदन जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, अपने परिवार के लिए तो दुनिया दौड़ रही है, देश और धर्म के लिए जो लोग दौड़ते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, है, आगे रहेगी। हम कहा करते हैं मुसलमानों से, तुम्हारे मक्का मदीना में कोई कब्जा कर ले 100-200-500 वर्ष के लिए, क्या तुम वहाँ का अधिकार छोड़ दोगे? अगर तुम वहाँ का छोड़ने के लिए वचन दो तो हम विचार करें। जब तुम उसके लिए दौड़ोगे तो हम अगर अपने लिए दौड़ रहे हैं तो कौन सा अन्याय कर रहे हैं? हमारे भगवान कृष्ण जहाँ प्रकट हुए हैं वो जगह हमारी है और रहनी चाहिए, होगी। और देवकी नंदन जी इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज आप सुन ही रहे थे अभी, उनसे इन सब महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद से ये समाज सनातन धर्म सुरक्षित रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। इन सब की आयु लंबी हो और ये सनातन धर्म के लिए सजग रहकर इसी तरह प्रयास करते रहें, बस यही हम प्रभु से प्रार्थना करके विराम लेते हैं। बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया। हाँ तुम हो तान हमारी, ओ तुम हो तान हमारी, बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी।
पाए मैं तो तेरे हाँ तुम झनकार हमारी हो तुम झनकार हमारी बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। सृष्टि का प्रारंभ जब होना होता है तो परमात्मा के अंदर एक संकल्प जागता है, मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेकों में एक ही है और एक ही अनेक बना हुआ है। इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ में गेहूं का एक दाना, एक चने का दाना, एक मसूर का दाना भगवान ने बना दिया और उससे बढ़ते 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 आज अरबों खरबों दाने हो गए। एक ही बीज से अनेक बीज पैदा हो गए। वट वृक्ष और पीपल का जो वृक्ष है इतना विशाल है, खसखस के दाने जैसा, जीरे के दाने जैसा उसका बीज है। और एक पेड़ में एक बार में कितने करोड़ों फल लग जाते हैं और सारे बो दिए जाएं और सबके पेड़ पैदा हो जाएं तो कितने बीज हो जाएंगे। तो भागवतकार गीता में उपनिषदों में कहा गया है कि एक ही अनेक बना हुआ है और जब तक अनेक में एक को नहीं देखोगे तब तक भक्ति अधूरी है और ज्ञान भी अधूरा है। भक्ति और ज्ञान की पूर्णता वही है जहाँ अनेक में एक को देखो और एक को ही अनेकों में देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, आपकी बेटी आपका बेटा आपसे अलग है फिर भी आप कहती हो मेरी आत्मा है, आपके शरीर से अलग है फिर भी आत्मा है, और वो परमात्मा आपके अंदर ही बैठा है और उसने ही आपको सबको बनाया है और आप उसको अपने से अलग मानते हो, यही आपकी मंदता है। ईश्वर एक है, भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले अपना अपना ईश्वर अलग मानते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। सारे संसार में हवा एक है, वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप बभुवो, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिष्य। कठोपनिषद में यमराज जी नचिकेता से कहते हैं बेटा वायु एक ही है, सबको जीवन दान दे रही सबके अंदर, यही तरह अग्नि भी एक ही है सबको भोजन दे रही, गैस के चूल्हे अनेक हैं लेकिन आग सब में एक ही है, नल अनेक हैं पर जल सब में एक ही है, इसी तरह आकृतियां अनेक हैं पर मूल तत्व सबके अंदर एक ही वैसा होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, बड़ी सुंदर सी बात है। दुख सुख का भान हृदय से होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है इनसे ही दुख सुख का भान होता है। व्यक्ति जब नरक जाता है और नरक की यातनाएं उस पर पड़ती हैं तो उसे दुख का भान होता है, इसका मतलब है कि उसका हृदय भी वहाँ है। और वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि सबके हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर नरक में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन
तिष्ठति, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास कर रहा है और हृदय साथ जाता है। ये जो बॉडी है ना तुम्हारी, ये तो मिट्टी का पुतला है। स्थूल के बाद सूक्ष्म शरीर जो होता है, दस इंद्री पंच प्राण मन और बुद्धि, वो साथ में जाते हैं। और जब वो साथ में जाते हैं और ईश्वर उनके अंदर ही रह रहा है, तो भगवान नरक में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा, जबकि तुम्हारे बेटे पोते जीते जी तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं या छोड़ने को तैयार हैं। जो तुम्हें छोड़ने को तैयार हैं, छोड़ चुके हैं, उन्हें तुम अपना मान करके समेटे हुए हो, और जो नरक में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, उस भगवान को भूले बैठे हो। इससे बढ़ के दुनिया में और अज्ञान क्या हो सकता है। ईश्वर सबके साथ था, है और रहेगा। ये परिवार पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए मिला है। ये शरीर भी एक ही पीरियड में है, ना ये शरीर भूत में था, ना ये भविष्य में रहेगा, तो थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। इसके प्रति जब तक तुम्हारी अहंता है, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर ज्ञान नहीं मिला तुम्हें, तो कम से कम भक्ति तो प्राप्त कर लो, भगवान से प्यार कर लो, वो कृपा करके तुम्हारा ये शरीर, इसकी अहंता ममता मिटा देंगे। भागवत में लिखा हुआ है, ततो भजे तमाम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्माणा शतान कामान दुखो दरकाश धर्य प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो माम कृष्णे कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मई हृदय। भगवान के स्वयं के वचन है। ममता नहीं छूट रही, मोह नहीं छूट रहा, देहाभिमान नहीं छूट रहा। हम छोड़ना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं भक्ति जोरदार करो, ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा संतों की, गुरुओं की और गरीबों की सेवा करो। धीरे धीरे वो समय आ जाएगा कि तुम्हारे अंदर जितनी वासनाएं कामनाएं सब के सब बिलीन। भगवान कहते हैं जैसे अंधेरे कमरे में दीपक पे पहुँचते ही अंधकार भाग जाता है, इसी तरह जब मैं किसी के हृदय में प्रवेश करूँगा तो उसके हृदय का अज्ञान, उसके हृदय की वासनाएं सब अपने आप समाप्त हो जाएंगी। सद्गुरुदेव भगवान की। काले नात्मा दीर्घेण भगवान विषिते हृदय शरणवतः श्रद्धनानस्यो। क्या श्रद्धा से सुनते रहो, मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, श्रद्धान्वितो नु शुणया दथ बरणेद्वा, निषेप मानो नु दिलम मुमुक्षोर, मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। भागवत में लिखा है जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ मेरी कथाएं सुनता रहेगा, गाता रहेगा, जपता रहेगा, एक दिन भगवान उसको सती मति दे देते हैं। अभी नहीं समझे आप, स्त्री भी सती और ब्रह्मचारिणी होती है ना, कई चरित्रहीन स्त्रियाँ, इसी तरह बुद्धि भी व्यभिचारिणी होती है और सती होती है। जो बुद्धि संसार के नाशवान पदार्थों को अपना मान के, परिवार को अपना मान के बैठी, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, क्या बेशा ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये तो कहती है, इससे भी नाता, इससे भी, वो व्यभिचारिणी कहलाती है। जिसकी बुद्धि अनेकों को अपना माने बैठी है, वो व्यभिचारिणी बुद्धि कहलाती है। और जब तुम भगवान की कथा सुनने लगोगे, भजन करोगे भाव से, तो एक दिन भगवान इस व्यभिचारिणी बुद्धि को अलग करके मति सतिम यच्छति वासुदेवे, भगवान पतिव्रता बुद्धि तुम्हें देंगे, जिसमें केवल भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का चिंतन हो ही नहीं सकेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की। अभी मति सती नहीं है हमारी, भजन पूजन पाठ कर रहे हैं, लेकिन मोहन मोह पास क्यों टूटे। तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, मोहन मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए पर अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे।
बाहर बहुत भजन पूजन हो रहा है लेकिन अंदर की गांठ खुल नहीं रही, मैं और मेरे की गांठ नहीं खुल रही। लेकिन तुम जब ज़्यादा भजन करोगे, ज़्यादा कथाएं सुनोगे, संतों के दर्शन करोगे, एक दिन वो स्थिति पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर कि तुम्हें सती बुद्धि भगवान दे। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम पियांति ते तेषा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमह नाश्यामि आत्मभूत ज्ञान दीपेन भाष्वत। मैं प्रकाश पुंज दीपक की ज्योति अंदर जला दूंगा, भगवान वचन दे रहे हैं, मैं बुद्धि योग तुम्हें दे दूंगा। गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में तो भगवान ने कहा जो मेरा और मेरे भक्तों का और भगवान शंकर का और भगवान विष्णु नारायण सबका स्मरण करते रहते हैं प्रातःकाल, जब उनके प्राण निकलने का क्षण आएगा उस समय मैं उनको निर्मल बुद्धि दे दूंगा एक क्षण के लिए, उस बुद्धि से केवल मेरा ही चिंतन होगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन में कुछ भी नहीं मिला तो घबराना नहीं, भजन में लगे रहो। भगवान ने अगर वचन दिया है, भगवान सत्य है तो अपना वचन पूरा करें। तेषाम प्राणात्यये चाह ददामी विमलाम मति, उन व्यक्तियों को अंत समय में मैं प्राणात्यय ददामी विमलाम मतिम लिखा हुआ है, निर्मल मति दे दूंगा जिसमें केवल भगवान का ही चिंतन होगा और बेड़ा पार हो जाएगा। इस आधार को लेकर भी जीवन भर कथाएं सुनते रहो, कीर्तन करते रहो, नाम जपो, साधु संत और गुरु ब्राह्मण इनकी सेवा करते रहो, गरीबों पर दया बरतते रहो। वो समय जरूर आएगा, जरूर आएगा जब भगवान तुम्हें निर्मल बुद्धि देंगे और तुम्हारा उससे बेड़ा पार हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। समय अधिक हो चुका है, संतों के उपदेश प्रवचन आप सुन ही रहे हैं, अमल करना है। गाय पहले बहुत सारा चारा खा लेती है और बैठ के फिर एक एक ग्रास निकाल के चरवण करती रहती है। बहुत कुछ सुना, सुनने के बाद फिर उस विचार करना, अब विचार के बाद अमल कर, जीवन सफल हो जाता है। प्रातःकाल आटा गूंदा, दोपहर में पेड़ा बनाया, थोड़े समय बाद रोटी बनाई और रात को जाके तवा में सेकी, तो कैसी होगी? बढ़िया रोटी तो वही है कि आटा गूंदा, पेड़ा बना, रोटी बनाई, तवा में डालो, वो रोटी हजमे वाली भी हो जाएगी और स्वादिष्ट भी रहेगी। आज हम सुन रहे हैं पर सोचते हैं अभी थोड़े काम है पूरा कर लें फिर भजन करना है। आज कहे मैं काल भजूं और काल कहे फिर काल, और आज काल के करती अवसर दासी चाल, चला जाएगा हाथों से। हम जैसे भी हैं जिस परिस्थिति में हैं हमें भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। जो करते आ रहे हैं भाग्यशाली हैं, जिन्होंने नहीं किया अभी तक वह प्रारंभ कर दें। जीवन में भजन जोरदार हो जाएगा। हम बार बार सुनाया करते हैं कि देखो दधी बिलोती है माताएं, एक रस्सी को ऐसे खींचती हैं तो दूसरे हाथ की छोटी हो जाती है, इसको खींचेंगी तो ये छोटी हो जाएगी। इसी तरह से तुम्हारा भजन बढ़ेगा, तुम्हारी समस्याएं कम हो जाएंगी। तुम भजन कम करोगे तो समस्याएं तुम्हारी बढ़ जाएंगी, क्या समझा? प्रत्यक्ष उदाहरण है ये। इसलिए अपना भजन बढ़ाओ, समस्याएं अपने आप हल होती चली जाएं। नमः सुदेव भक्तानां अशुभम विद्यते कुल नाधयो व्याधयश्च भय नयोपजायते। भगवान के भक्तों पर जल्दी संकट नहीं आते बाबा, पर यह कथनी और करनी एक होनी चाहिए। जो सुना है उस पर अमल करो, क्या समझो? ये हमारे सुरेश जी आते हैं इस्माइलाबाद से, महीने महीने दो दो महीने सपत्नी एक यहाँ ही रह जाते हैं, कभी हरिद्वार कभी यहाँ कभी काज। अभी आज कह रहे थे दो फैक्ट्रियाँ बहुत बढ़िया चल रही हैं, तीसरी और लगानी है, नाम बता दीजिए। हमने कहा भजन कर रहा है इसलिए काम बढ़ रहा है, दोनों आश्रमों के लिए दाल पूरे साल की इन्हीं के यहाँ से आती है।
और परिणाम यह है कि काम बढ़ता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है। मारे सिंगला जी जब माली हालत सामान्य थी तब 1 करोड़ रुपया उन्होंने आश्रम के लिए दिया हुआ था, आज भगवान ने अरबों दे दिया। कलयुग नहीं कर्जुग है, करके देख ले क्या गजब का सौदा है, सुबह दे और शाम को करो करो, आगे बढ़ोगे। बहुत लोग बढ़ गए हैं जिन्होंने भजन किया है। समय अधिक हो रहा, यहीं विराम लेते हैं, आरती होगी, प्रारेंगे। प्रतिदिन नए संत आएंगे यहाँ, आपके यहाँ भी अनेक संतों को निमंत्रण है, उनकी स्वीकृति मिल चुकी है और समय समय से वो यहाँ पर पधारते रहेंगे। वृंदावन हरि लाल की जय। ओम हरि ओम। चंद्रमा मने सो जात सक्षो सूर्यो अजायना श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखाद्निर्जायत। हरे भागवत भगवान की है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल नद मार्ग दिखाने वाला, दीप बनाने वाला, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। Oh,
जलय सेतले करुण मंद्र पुष्पांजलि सेवंतिका वकुल चंबक पाटिलाभ जये पुण्णाग जाति कर वीर रसाल पुष्पये बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेम पो जयामि जगदेश्वर में प्रसिदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालुद्भवानी चा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि शरण पड़े के लाज तुम राखो दीनाना दोनों भुजा पसार के घर उजरण में मात सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म के यज्ञ चूड़ामणि ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्रि जी महाराज के सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमद भागवत महापुराण के नमः पार्वती पदय हर हर महादेव श्री वागे बिहारी लाल की जय 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 श्री राम।